हेलो दोस्तों, आज मैं एक चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है मोर एंड मोर लव्स यू। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो 11 साल से एक लड़के से प्यार करती आई है, लेकिन उस लड़के ने उससे कभी भी प्यार नहीं किया। अब क्या उस लड़की को अपना प्यार मिल पाता है, ये हम आज के इस ड्रामा में देखने वाले हैं। ड्रामा स्टार्ट होता है और हम अपने मेन कैरेक्टर यूथिंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। वो गुस्से में अपने घर में घुसता है और सीधा अपने बेडरूम में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ और हमारी कहानी के एक और मेन कैरेक्टर यूलेन सो रही होती है। यूथिन उसे मारने की कोशिश करता है जिससे यूलेन उठ जाती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, और तुम मुझे इसलिए मार रहे हो ना क्योंकि तुम्हारी वाइफ अब मैं हूँ, ना कि मेरी छोटी बहन यूई। वो कहती है कि हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी तुम यूही से ही शादी करने के बारे में सोच रहे हो। अब यूथिंग उसे बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तभी यूलेन उसे कहती है कि मैंने तुमसे शादी करने की जबरदस्ती नहीं की थी, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। यूथिंग कहता है कि तुम भी अच्छे से जानती हो कि हमारी शादी तुम्हारे उस प्लान की वजह से हुई थी, और अगर ऐसा नहीं होता तो उस दिन रिपोर्टर्स इतनी जल्दी हमारे रूम में नहीं पहुंच पाते। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि 2 साल पहले एक दिन यूथिंग और यूलेन एक साथ एक ही बेडरूम में उठते हैं और उन दोनों ने ही कपड़े नहीं पहने होते। अब इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हुआ, क्योंकि कल रात वो दोनों ही नशे में थे। अब वो दोनों कुछ समझ पाते तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ पकड़ लेते हैं। यूथिंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए उसकी ये बात पूरे मार्केट में फैल जाती है कि उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। फिर जब ये बात यूथिंग के ग्रैंडफादर को पता चलती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे यूलेन से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूथिंग का यूलेन की छोटी बहन यूई के साथ अफेयर चल रहा था और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे, लेकिन अब यूथिंग को यूई की जगह यूलेन से शादी करनी पड़ती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर यूथिंग यूलेन से कहता है कि अगर मेरे ग्रैंडफादर उस दिन मुझे फोर्स नहीं करते तो तेरे जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करता। इस पर यूलेन उसे कहती है कि मुझे पता है कि मैं बुरी हूँ, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए अब अपने हस्बैंड होने की ड्यूटीज पूरी करो। यूथिंग कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस पर यूलेन बोलती है कि मैं भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे प्यार करो, क्योंकि मेरे मन में भी तुम्हारे लिए प्यार अब खत्म हो चुका है। अब ये सुनकर यूथिंग को गुस्सा आ जाता है और वो यूलेन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इस सब हरकतों से यूलेन बहुत सैड हो जाती है और वो यूथिंग को कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। यूथिंग कहता है कि ये डिसीजन तुम अकेले नहीं ले सकती, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यूलेन यूथिंग को डिवोर्स के पेपर्स उसके ऑफिस में भेज देती है। अब ये देखकर यूथिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधा अपने दोस्त शियोंग के पास चला जाता है। शियोंग यूथिंग से जब यूलेन के बारे में पूछता है तो यूथिंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि प्लीज उसके बारे में बात मत करो। शियोंग कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों रहे हो, जब तुम लोग स्कूल में थे तो सबको पता था कि यूलेन तुम्हें लाइक करती है। यूथिंग कहता है कि तो मुझे भी कहां पता था कि मुझे हासिल करने के लिए ये इतना गंदा प्लान बनाएगी। दूसरी तरफ हम यूलेन को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड शाओशाओ से मिलती है और उसे बताती है कि मैं यूथिंग से डिवोर्स ले रही हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरा सपोर्ट करना। इस पर शाओशाओ उसे कहती है कि क्या तुम सीरियस हो, क्योंकि तुम उसे 11 साल से लाइक करती थी। इस पर यूलेन कहती है कि लेकिन वो तुम उससे नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस दिन होटल वाला इंसिडेंट मैंने ही प्लान किया था। मैं उसे बहुत बार समझा चुकी हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो मुझ पर बिलीव नहीं करता। शाओशाओ उसे कहती है कि मुझे तुम पर बिलीव है और मेरे भाई मैंग को भी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैंग यूलेन को स्कूल टाइम से ही पसंद करता था, लेकिन वो आज तक उसे बोल नहीं पाया। इसके बाद यूलेन जब अपने घर पहुँचती है तो वो वहाँ पर अपने डैड, अपनी स्टेप मॉम और अपनी स्टेप सिस्टर यूई को देखती है जो कि आपस में बातें कर रहे थे। फिर यूलेन छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है, जहाँ पर यूई अपने स्टेप फादर से पूछ रही थी कि क्या अब यूलेन की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल, यूलेन की मॉम की विल के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी हो जाएगी। यूई कहती है कि यूलेन की मॉम तो बहुत अच्छी है, अगर वो मरने से पहले ऐसी विल नहीं बनाती तो ना तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी मिलती और ना ही उस दिन मैं होटल में उन रिपोर्टर्स को बेचती। यूथिंग और यूलेन की शादी मेरी वजह से ही हुई है, इसलिए जब यूलेन की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी तो मैं उन दोनों का डिवोर्स करा दूंगी और यूथिंग को वापस अपनी लाइफ में ले आऊंगी। अभी सुनकर यूलेन समझ जाती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब यू ही नहीं करा था। अब ये सब कुछ जानकर यूलेन बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे डैड और यूई ने मिलकर मुझे धोखा दिया। जिस आदमी से मैं प्यार करती थी वो मुझसे नफरत करता है, अब ऐसे जीकर मैं क्या करूंगी, इसलिए मॉम मैं आपके पास आ रही हूँ। यही सब सोचकर वो अपनी जान देने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर चली जाती है। फिर वो वहाँ से कूदने ही वाली होती है कि तभी उसे यूथिंग का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ, इसलिए हमें अभी कोर्ट चलना होगा।
इस पर जूलियन उसे कहती है कि मैंने अपना फैसला बदल दिया है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती और न ही मैं तुम्हें और यूई को एक होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम उससे प्यार नहीं करते और न ही मैं करती हूँ। मैं बस यूई को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ कि जिस इंसान से वो प्यार करती है उससे वो अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं मिल पाएगी। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है और अपना सुसाइड करने का प्लान भी बदल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूई को देखते हैं जो यूथिंग को कॉल करती है और कहती है कि आज रात हम दोनों डिनर पर चलते हैं, जिस पर यूथिंग भी मान जाता है। इसके बाद यूई यूलेन को जेलस फील करवाने के लिए उसे मैसेज करती है और उसे कहती है कि वो यूथिंग के साथ आज रात को डिनर पर जा रही है, इसलिए वो चाहती है कि वो भी वहां पर आए। फिर शाम को वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद यूलेन भी गुस्से में पहुंच जाती है। यूई यूलेन को आने के लिए थैंक्स बोलती है, जिस पर यूलेन उसे कहती है कि तुम्हें तो थैंक्स बोलना ही चाहिए क्योंकि इस डिनर के लिए मेरा हस्बैंड जो पे कर रहा है, और ऐसा बोलकर वो अपने वाइन का गिलास यूई के मुंह पर फेंक देती है। अभी देखकर यूथिंग को गुस्सा आता है और वो यूलेन को उससे माफी मांगने को कहता है, लेकिन जब यूलेन और भी ज्यादा बेकाबू होने लगती है तो वो उसे वहां से बाहर ले जाता है। यूथिंग उसे पूछता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, जिस पर यूलेन कहती है कि हाँ तुम्हारी वजह से, जाओ तुम उसी के साथ जाकर सो जाओ जिसे तुम प्यार करते हो। अभी सुनकर यूथिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर ले जाने के बजाय बाहर कहीं ले जाता है और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। यूलेन उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर यूथिंग कहता है कि जो एक हस्बैंड करता है। अब यूथिंग उसे किस कर ही रहा होता है कि तभी उसे यूई के डैड का फोन आ जाता है। वो उसे बताते हैं कि यूई ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और अभी वो हॉस्पिटल में है, इसलिए तुम जल्दी से उसके पास आ जाओ। लेकिन तभी यूलेन यूथिंग से कहती है कि यूई कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसे मेरी प्रॉपर्टी कभी नहीं मिल पाएगी। इस पर यूथिंग उसे कहता है कि तुम इतनी रूढ़ कैसे हो सकती हो, और मैं उसके पास जा रहा हूँ क्योंकि एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। इसके बाद वो यूलेन को कार से बाहर निकाल देता है और यूई से मिलने हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। वहीं यूलेन सड़क पर अकेले चलते हुए सोचने लगती है कि मुझे ये सब सहते हुए इतना टाइम तो हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरा दिल हर्ट क्यों होता है। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर अगले दिन यूलेन अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर घर वापस आकर यूलेन यूथिंग के लिए अच्छा सा लंच बनाती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसे बता सके। फिर यूलेन उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस पर यूथिंग उसे कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं यूई का ख्याल रखने जा रहा हूँ। इस पर यूलेन गुस्से में उसे कहती है कि अगर तुम अभी घर नहीं आए तो मैं यूई को छोड़ूंगी नहीं। अभी सुनकर यूथिंग घर आ जाता है, लेकिन वो यूलेन से कहता है कि मैं सिर्फ अपने कपड़े चेंज करने आया हूँ और वापस यूई के पास हॉस्पिटल चला जाऊंगा, और ध्यान रखना कल हम डिवोर्स ले रहे हैं। अभी सुनकर यूलेन अपसेट हो जाती है और यूथिंग कपड़े चेंज करके वापस यूई के पास हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन यूलेन उसे रोकने लगती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन यूथिंग उसकी बात सुने बिना ही उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। अब यूलेन को कैसे भी उससे बात करनी ही थी, इसलिए वो यूथिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो सीधा यूई के रूम में आती है और यूथिंग को बोलती है कि तुम मेरे साथ अभी घर चलो, ये यूई मरने वाली नहीं है, और ऐसा बोलकर वो यूई को मारने लगती है। तभी यूथिंग उसे दूर करता है और कहता है कि यूई के पास भी मत आना। इस पर यूलेन उसे कहती है कि तुम्हें यूथिंग की सच्चाई नहीं पता, इसी ने ही उस दिन होटल में, अब वो सिर्फ इतना ही बोल पाती है। तभी यूई के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यूलेन उन सभी की सच्चाई यूथिंग को बता दे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।